नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। T20 विश्व कप में अब बस तीन ही मुकाबले बचे हैं, यानी कि दो सेमीफाइनल और एक फाइनल खेलने के बाद ये तय हो जाएगा कि इस साल कौन जीत रहा है T20 विश्व कप का खिताब। अब भारत अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो ऐसे में हर भारतीय के मन में एक ही दुआ है, एक ही उम्मीद है कि इस बार 15 साल बाद T20 विश्व कप का खिताब भारत वापस लौट आएगा। लेकिन हमने देखा है इस विश्व कप में बारिश ने एक अहम रोल प्ले किया है। बारिश ने जहां कई बड़ी बड़ी टीमों के खेल बिगाड़े हैं तो वहीं पॉइंट्स टेबल पर भी इसका असर साफ देखने को मिला। बारिश की वजह से बड़ी बड़ी टीमों को नुकसान हुआ, कई बड़े मैच धुल गए और कई बड़े मैचों के परिणाम भी उलट आए। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर इन बड़े मुकाबले जो बचे हैं यानी कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में बारिश आती है तो फिर क्या होगा? क्या टीमों को रिजर्व डे रखा गया है या फिर क्या परिणाम आएगा ऐसी स्थिति में? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा, तो आपके सारे सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर सेमीफाइनल्स यानी कि 9 और 10 तारीख को जो दो सेमीफाइनल्स खेले जाने हैं अगर उनमें बारिश आती है तो उनके लिए रिजर्व डे रखा गया है। यानी कि अगर बारिश आती है तो उसके बाद यानी कि 11 और 12 तारीख में वो सेमीफाइनल्स वहीं से कंटिन्यू किए जा सकते हैं जहां पे बारिश की वजह से खेल रुकेगा। इसके अलावा ये भी है कि अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश आ जाती है तो फिर क्या होगा? ऐसे में अगर 10-10 ओवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं दोनों ही पारियों में तो ऐसे में निर्णय उस टीम के पक्ष में आएगा जो पॉइंट्स टेबल में ऊपर रही थी। यानी कि जैसे कि भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में ऊपर थी तो अगर दोनों टीमों के 10-10 ओवर पूरे नहीं हो पाते हैं तो भारत ऑटोमेटिकली फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये नियम है। अगर फाइनल के दिन बारिश आती है तो उसके लिए भी यानी कि 13 नवंबर रविवार के दिन फाइनल है, लेकिन अगर उस दिन भी बारिश आती है तो 14 नवंबर को मैच शिफ्ट हो जाएगा। जहां पर 13 नवंबर को बारिश की वजह से अगर मैच रुकता है वहीं से 14 नवंबर को मैच कंटिन्यू किया जाएगा। और फिर भी अगर 10-10 ओवर पूरे नहीं होते हैं तो दोनों टीमों को जॉइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों ही टीमों को ट्रॉफी बांट दी जाएगी। ऐसे में सवाल यही था। और ये जो नियम है, पहले था कि 5-5 ओवर्स कंप्लीट होने जरूरी हैं, लेकिन ICC ने सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए नियम में बदलाव किया कि 5 ओवर नहीं, कम से कम निर्णय लाने के लिए 10 ओवर्स का होना जरूरी है। तो ऐसे में बारिश अगर खेल बिगाड़ती भी है तो पहली बात तो आपके पास रिजर्व डेज है। अगर रिजर्व डेज पे भी बारिश आती है तो 10-10 ओवर्स अगर दोनों पारियों में पूरे नहीं होते हैं तो पॉइंट्स टेबल में जो टीम ऊपर रही है उसे ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन फाइनल के लिए मिल जाएगा। तो भारत के लिए संतुष्टि वाली खबर है क्योंकि भारत पॉइंट टेबल में तो ऊपर है। और वेदर रिपोर्ट भी हम आपको अब से कुछ ही देर में बताएंगे। तो आप अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि खेल जगत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन स्पोर्ट्स।